बहुत सारे लोग हमारे कमेंट्स में और इंस्टाग्राम के मैसेजेस में, डीएम्स में ऐसे मैसेजेस भेज रहे हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर मेरे लिए काम नहीं करता है। हम जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं उसे हम अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, या जो भी चीज़ हम चाह रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए कभी काम नहीं करता, भगवान मेरी कभी भी नहीं सुनता है, हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। जब मैंने आपकी कमेंट्स और इंस्टाग्राम में डीएम्स आपके देखे तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, हमें इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। वेल, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ प्रोग्रामिंग के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नमस्कार, मैं अस्तित्व गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, तो अट्रैक्शन कोच। वीडियो पर रहे हैं, चैनल पर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, अपने कंप्यूटर के बारे में अपनी स्कूल लाइफ में या कॉलेज में या कहीं कंप्यूटर क्लासेस में पढ़ा है? ऑब्वियसली बात है, पढ़ा होगा। आजकल जो मॉडर्न जमाना है उसमें कंप्यूटर के बारे में सबने सुना होगा, समझा होगा, उसको पढ़ा भी होगा। अगर आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है आपने सीपीयू के बारे में भी सुना होगा, समझा होगा। सीपीयू कैबिनेट होता है छोटा सा, एंड बोला जाता है कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू के बारे में पढ़ा है तो आपने इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ा होगा। इनपुट डिवाइसेस हमारी होती है व्हाट, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, ये सब हमारी इनपुट डिवाइसेस होती है। आउटपुट डिवाइसेस होती है हमारी स्पीकर, मॉनिटर, ये सब चीजें हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती है। देखिए, आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दें, ये कोई कंप्यूटर की क्लास नहीं चल रही, जस्ट हम ब्रेन कैसे वर्क करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, उस चीज को हम थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, आपका पूरा जो कंसेप्ट है वो हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। इनपुट डिवाइसेस में हम कुछ भी टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ टाइप कर रहे हैं, मैंने लिखा आई एम अस्तित्व गुप्ता, या मैंने सिर्फ ए बनाया, ए जब मैंने बनाया तो वो डेटा गया सीपीयू में, सीपीयू में उसकी ओवरऑल पूरी प्रोसेसिंग हुई, जो भी है, जो भी उसकी लैंग्वेजेस है, इसके बाद आउटपुट में क्या दिखाया, ए दिखाया। अगर हम लिखते हैं आई एम अस्तित्व गुप्ता, टाइप करते हैं हम अस्तित्व गुप्ता, तो मॉनिटर में क्या दिखाएगा, आई एम अस्तित्व गुप्ता। क्या ये पॉसिबल है? हम अगर टाइप करें बी तो दिखाए वहां पर सी, क्या ये पॉसिबल है? अगर हम टाइप करें आई एम अस्तित्व गुप्ता तो वहां कुछ और दिखा, आई एम समथिंग एल्स, ऐसा कुछ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो हम इनपुट करेंगे वही हमें आउटपुट मिलेगा। आईपीओ सिस्टम सिर्फ और सिर्फ यही है। आईपीओ देखिए वो वाला नहीं है जो कंपनीज लेकर के आती है, आईपीओ का फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, यानी कि हम जो भी इनपुट कर रहे हैं हमारी प्रोसेसिंग में वही हो रहा है और हमें आउटपुट वही मिलेगा। समझना बात को, मैंने आपको कई सारी वीडियोस में सबकॉन्शियस माइंड की फंक्शनिंग के बारे में बताया है, और हमने ये भी बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है बेवकूफ होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को टाइम की कोई भी नॉलेज नहीं होती है। सर टाइम की नॉलेज कैसे, मतलब समझे नहीं, यानी कि वो सिर्फ फोटोज देखता है, वो सिर्फ फीलिंग्स को समझता है, डेटा को स्टोर करता है और वैसे ही रिएक्ट करता है, वो नहीं देखता कि जो आप दिखा रहे हो सच है या वो झूठ है, या वो भविष्य का है, भूत का है, या वर्तमान का है, वो कुछ भी नहीं चाहता है, वो बस डेटा को देखता है, महसूस करता है, फीड कर लेता है, वैसे ही रिएक्ट करता है। अब जरा बात समझना, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डिजायर बनाया, कोई गोल बनाया, जिसमें कि आपने ये लिखा कि आपको 5 लाख रुपए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने गोल बना लिया, ठीक है, आप उसमें टेक्निक वगैरह जो भी चीजें आप प्रोसेस के साथ पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप दिन भर क्या सोच रहे हैं, आप दिन भर क्या इनपुट दे रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, पता नहीं कब पैसा आएगा यार, अभी तक पैसा नहीं है, मैं इतनी टेक्निक कर चुके हैं सर, हम क्या करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पास पैसा कभी आता ही नहीं यार, ये होता है वो होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए कभी काम नहीं करता, और आप टेक्निक भी कर रहे हैं, आप एक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन पूरे दिन आप क्या दिखा रहे हैं, पूरे दिन आप क्या दिखा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता। जैसा कि मैंने आईपीओ सिस्टम के थ्रू बताया कि आप जो भी इनपुट करेंगे वो प्रोसेसिंग होगी और वही आपके सामने प्रकट हो जाएगा, वही आपके सामने आउटपुट दिखाएगा। आप भले ही आपने 5 लाख का गोल बना लिया, लेकिन आप दिन भर उसमें क्या बीट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता है। फिर आप चाहे 50,000 टेक्निक कर ले, आउटपुट में क्या आएगा, जो आपने इनपुट दिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता है, मतलब नहीं करेगा। आप इनपुट क्या करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता है, ब्रेन बैठा हुआ है बीच में, ब्रेन ने क्या इनपुट लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, अब क्या आउटपुट देगा, हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस बंदे के लिए काम नहीं करेगा, वही से उसने आउटपुट रख दिया। समझना बात को, अब आपने क्या इनपुट दिया, पैसा मेरे पास कभी नहीं आता है, प्रोसेसिंग हुई, ब्रेन सुना पैसा इसके पास कभी नहीं आता है, वो जो देखता है, जो सुनता है, उसी को फीड कर लेता है, वैसा ही आउटपुट देता है। क्या सुना पैसा मेरे पास कभी नहीं आता है, सेम आउटपुट देगा, पैसा इसके पास कभी नहीं आएगा, इसलिए वो आजीवन हमेशा पैसे से परेशान रहता है। भले वो 50,000 टेक्निक कर ले, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एक गलत एजम्पशन बना लेता है कि साला कभी काम ही नहीं करता है। और एक चीज हम आपको साफ साफ क्लियर करते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को माने चाहे ना माने, आप भले मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता, लेकिन वो तब भी करेगा अगर आप माने कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है
हमारे लिए काम नहीं करती, हम उसको नहीं मानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप हवा में उड़ने लगेंगे, आपके लिए हमेशा काम करेगी, आप मानो या ना मानो आपके लिए काम करेगी। डेली लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमें जिस चीज का डर होता है हमारे सामने वही चीज आ जाती है, वही चीज हो जाती है, यानी कि जो चीज हम सोच रहे होते हैं कि भगवान ऐसा ना हो जाए, काश प्लीज ऐसा ना हो, प्लीज ऐसा ना हो, वैसा ही हो जाता है। क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड में इनपुट क्या कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, हम आपको बता दें बहुत खतरनाक ब्रेन होता है सबकॉन्शियस ब्रेन, बहुत ज्यादा खतरनाक। सबकॉन्शियस माइंड में आप इनपुट क्या डाल रहे हैं कि हमें आज ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए देर ना हो, ना जैसा वर्ड, नो जैसा वर्ड सबकॉन्शियस माइंड की डिक्शनरी में दूर दूर तक नहीं। अब सबकॉन्शियस माइंड यहाँ बैठा है, आपने कहा हमें स्कूल के लिए देर ना हो, उसने सुना हमें स्कूल के लिए देर हो, और वही सेम आउटपुट रख देगा कि आपके सामने कहीं ट्रैफिक लग जाएगा, कहीं कुछ ना कुछ देर हो जाएगी, आप स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। सेशन में हम जो भी प्रोसेस बताते हैं लोग उसको फॉलो करते करते करने के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डाउट करते हैं, जो मतलब करते हैं, कहते हैं होगा भी नहीं या नहीं होगा, डेली मेजर करते हैं हाइट अपनी, यार मेरी कितनी बड़ी, बड़ी कि नहीं बड़ी, यार तो बड़ी नहीं रही है, तो एक इंच भी नहीं बड़ी, एक सेंटीमीटर, एक एमएम भी नहीं बड़ी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता है, पहले ही डाउट डालने लगे, पहले ही आपने इनपुट डाल दिया कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या बेटा, वो सब तुम्हारी हरकतें देख रहा है, वो कह रहा है पहले तुम टेक्निक कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद तुम बोल कह रहे हो टेक्निक, चलो तुमने मैनुअली फॉर्मेलिटी के लिए तुमने टेक्निक कर रही, इसके बाद तुम बोल कह रहे हो मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, ठीक है, उसने कैप्चर कर लिया सिस्टम में इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, आउटपुट क्या दिया इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। भाई तुम कम से कम वो डालो तो, वो चीज इनपुट तो करो जो तुम्हें आउटपुट मिले उस चीज के लिए, आप इनपुट ही गलत चीज कर रहे हो तो आउटपुट कहां से मिलेगा। आपको चाहिए आई एम अस्तित्व गुप्ता आप डाल रहे हो, आई एम शालिनी तिवारी कुछ भी आप डाल रहे हो, शालिनी तिवारी मुझे नहीं मालूम कौन है आप कुछ भी इनपुट कर रहे हो तो जो आप इनपुट करोगे वही आउटपुट निकलेगा। आपको सही इनपुट करना है, आप जो भी फील कर रहे हैं, आप जो भी महसूस कर रहे हैं, आप वही चीज इनपुट करिए। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, वीडियो बनाने का मेन मकसद सिर्फ यही है कि सबकॉन्शियस माइंड में आप जो भी फीड करेंगे वही चीजें होंगी, आप गलत फीड कर रहे हैं, इसलिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप वही फीड कर रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता, इसलिए वो नहीं कर रहा है। बात समझने की कोशिश करिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेड़ उगाया है, एप्पल का पेड़ है वो, ठीक है, उसमें आप चाहते हैं कि आपके जो फ्रूट्स हैं, आपके जो एप्पल है वो बढ़िया रेड रेड बढ़िया मीठे हो, मस्त एकदम फ्रूट्स निकले, तो आप क्या करेंगे, आप उन फ्रूट्स पर फोकस करेंगे या उनके रूट्स पर फोकस करेंगे। बात समझना, बहुत समझने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनके फ्रूट्स पर फोकस करेंगे या आप उस पेड़ के रूट पर फोकस करेंगे, बताइए आंसर क्या होगा आपका। ऑब्वियसली बात है रूट्स पर फोकस करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग करते क्या है, गलत जगह फोकस कर लेते हैं और कहते हैं यार मेरे सेब तो बढ़िया मीठे आ ही नहीं रहे, बगल वाले के तो पूरे लाल लाल बढ़िया है मीठे मीठे चाशनी है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता, मेरी जिंदगी बेकार है, मेरा सब कुछ बेकार है। कभी भी गलत जगह फोकस नहीं करना है, आपको रूट्स पर फोकस करना है, तभी आपके फल जो है अच्छे आएंगे। अगर आपको हाइट भी मैनिफेस्ट करनी है तो आप इनपुट ही गलत दे रहे हैं, आप इनपुट ही गलत दे रहे हैं, आप ये बार बार दे रहे हैं कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी हाइट एक एमएम भी नहीं बढ़ी है, सबकॉन्शियस माइंड वही सुन रहा है इसकी हाइट एक एमएम भी नहीं बढ़ी है, वही आउटपुट देगा इसकी हाइट एक एमएम भी नहीं बढ़ेगी। इसी जगह अगर आप इनपुट दे रहे हैं कि हमारी हाइट इतनी बढ़ चुकी है या महीने के 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड सुनता है कि इसकी हाइट बढ़ चुकी है, तो वैसे ही हार्मोन सीक्रेट करने लगता है, तो आपकी हाइट जो है धीरे धीरे इंक्रीज करने लगती है। भी कई जगह और कई बार सुना होगा कि जो अमीर आदमी होता है वो और ज्यादा अमीर होता चला जाता है, लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो और ज्यादा गरीब होता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ होता है उसके माइंडसेट की वजह से, उसकी सोच की वजह से, उसकी जो नेगेटिव रिकॉर्डिंग हो रखी है उसके सबकॉन्शियस माइंड के, उसके अवचेतन दिमाग में, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। अमीर आदमी क्या फीट करता है कि उसके पास और पैसा आ रहा है, और पैसा आ रहा है, पैसा आता जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड उसका क्या सुनता है कि उसके पास पैसा आ रहा है, यानी कि पैसा आना है, पैसा उसके पास आता है। लेकिन गरीब आदमी क्या कहता है? गरीब आदमी ये फीडिंग करता है कि पैसा सारे फसाद की जड़ है, पैसा सबसे खराब चीज है, पैसा मेरे पास कभी नहीं आता है, भगवान ने मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी है, पैसा मेरे पास कभी नहीं आएगा, ये है वो है, दुनिया भर के नेगेटिव चीजें पैसे के लिए वो फीड करता है। सबकॉन्शियस माइंड उसका क्या करता है? ओ अच्छा ये बात, वैसे ही चीजें उसके सामने ला के रख देता है कि पैसा उसके पास कभी नहीं आता और वो और ज्यादा गरीब होता चला जाता है। तभी जितने भी सक्सेसफुल लोग के इंटरव्यू हुए हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही है कि अगर तुमको गरीब से अमीर होना है, अगर तुम्हें मिडिल क्लास से रिच क्लास में जाना है, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को वर्क करना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल आपको चाय बनानी है, चाय तो सभी कोई बना लेगा, चाहे हम भी बना लेंगे, सब भी बना लेगा, लेकिन चाय बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको सबसे पहले एक बाउल लेना होगा, उसमें थोड़ा सा वाटर डालना होगा, पानी जब खोल जाए फिर उसमें चाय पत्ती डालनी होगी, लौंग इलायची मसाले बहुत सारी चीजें डालनी होगी, ठीक है, तो उसका भी कुछ प्रोसेस है। अगर हम उसमें नमक डालते हैं तो क्या चाय अच्छी बनेगी?
नहीं बनेगी। अगर उसमें धनिया डाल दें चाय अच्छी बनेगी, गरम मसाला डाल दें चाय अच्छी बनेगी, या कुछ भी ऊट पटांग चीज़ें डाल दें तो क्या चाय अच्छी बन सकती है? नहीं बन सकती है, नहीं बनेगी। इसका मतलब यह है कि हर चीज़ को करने का एक प्रोसेस होता है, अगर आप उस प्रोसेस के थ्रू चलेंगे तभी वो चीज़ मिल पाएगी, वरना नहीं मिल पाएगी। आप यहाँ कानपुर बैठे हैं, आपको जाना है लखनऊ, लेकिन अगर आप जा रहे हैं उल्टी साइड पर तो क्या जीवन में कभी आप लखनऊ पहुँच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए फोकस ऑन रूट्स, क्योंकि जब आप रूट्स पर फोकस करेंगे तभी जाके वो चीजें मिलेंगी। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि सबसे पहले आप जानो तो ये काम कैसे कर रहा है। आपको चाहिए कुछ और, आप डाल कुछ और, कैसे कुछ और निकल आएगा? नहीं निकलेगा। आपको चाहिए पनीर की सब्जी, आप डाल रहे हो छोला, तो क्या पॉसिबल है कि पनीर की सब्जी निकल आए? नहीं निकलेगी। आपको जो भी चीजें मैनिफेस्ट करनी है वो चीजें रियलिटी में आपको फीड करनी पड़ेंगी, तब जाके वो निकलेगा। आईपीओ मेथड दिमाग में डाल लीजिए, आप जो भी इनपुट करेंगे वही चीज प्रोसेसिंग होगी और वही चीज आपके आउटपुट में रखेगी। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो ये जिनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर जो रियलिटी है वो हमारे थॉट्स का ही रिजल्ट है, तो क्या जो हमारे 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, कोई घटना घटी, तो क्या वो हमारी वजह से ही घटी थी? इसका जवाब है साफ साफ हाँ, ये आपकी वजह से ही घटी थी, क्योंकि 2 महीने पहले जो भी आपका एक्सीडेंट हुआ था, जो भी आपके साथ घटना घटी थी, उसके पहले आप कुछ ना कुछ ऐसी थॉट्स, ऐसी फील, ऐसा फीलिंग इनपुट आप कर रहे होंगे, तभी जाकर के आपके सामने वो घटना घटी। हकीकत में बता रहे हैं आपको ये। कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह आप उठते हैं, आपके थोड़ी सी चोट लग जाती तो आपका पूरा मूड खराब हो जाता है, आपका पूरा मूड खराब होता है, आप सुबह उठते कहते हैं मेरा पूरा दिन खराब हो गया, मेरा सब वैसा ही है, ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस वाले, बॉस को देखना, ये करना, वो करना, सुबह से आपने फीडिंग करना चालू कर दी। अब अगर आपका दिन अच्छा भी होना होगा ना, तो जो आप फीडिंग कर रहे हैं कि मेरा दिन साला पूरा अच्छा खराब हो गया, मेरे पैर में चोट लगी, सुबह सुबह मेरा पूरा नसीब ही खराब है, ये है वो है, जो फीडिंग आप कर रहे हैं आपका पूरा दिन रियलिटी में वैसा ही जाता है, आप इसको गलत साबित नहीं कर सकते हैं, रियलिटी में आपका पूरा दिन बर्बाद जाएगा। मैकेनिज्म सिर्फ इतना है भैया कि जो आप फीड करेंगे, जो आप इनपुट करेंगे, वही चीज आउटपुट निकलेगी। अगर आप टाइप करेंगे आई एम अस्तित्व गुप्ता, तो आई एम अस्तित्व गुप्ता ही स्क्रीन में दिखाएगा। एक भी लेटर ना कम हो सकता है, एक भी लेटर ना ज्यादा हो सकता है। और अगर आप रियल लाइफ में किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करें, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप कॉलिंग सेशन भी ले सकते हैं। कॉलिंग सेशन में हम आपकी पूरी प्रॉब्लम को समझेंगे, डायरेक्टली हम आपसे बात करेंगे कॉल पे, उसी प्रॉब्लम को समझेंगे आपकी, उस पर पूरा एनालिसिस करेंगे, उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, उसका पूरा हम 30 डे 60 डे 90 डे आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रोड मैप बनाएंगे, कौन सी टेक्निक करनी है, कितने बार कितने बजे टेक्निक करनी, कैसे क्या पूरा प्रोसेस, पूरा ब्लूप्रिंट होगा वो हम आपको देंगे। सेशन में आपको हमारे कॉन्टेंट का लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। और इस सेशन की सबसे खास बात यह है कि अगर आप हमारे YouTube के सब्सक्राइबर हैं, तो आपको हमारी तरफ से द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीक्रेट बुक हमारी तरफ से आपको फ्री मिलेगी, और ये सेशन सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज का है। तो इस सेशन के लिए, जानकारी के लिए, आप हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक डाल देंगे, तो वहां पर जाकर के आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को जो मैंने चीजें बताई है वो समझ में आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई हो, समझ में आई हो, और आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू एड की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट। अगर आपके दिमाग में कोई किसी तरह का डाउट या क्वेश्चन है, तो प्लीज चैट बॉक्स बिल्कुल फ्री है, वहां पर जाएं, वहां पर रिप्लाई कमेंट करें, वहां पर हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो चलता हूं, इजाजत दीजिए, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, इट्स अस्तित्व गुप्ता साइनिंग ऑफ।